शाहजहांपुर में तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले 2 बच्चे आपस में चचेरे भाई हैं, जबकि तीसरा बच्चा बुआ का बेटा था। मरने वाले सभी बच्चों की उम्र 10-10 साल और 9 साल बताई गई है। फिलहाल घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। घटना थाना मदनापुर क्षेत्र के बरुआ गांव की है। यहां 2 चचेरे भाई 10 साल का अनुभव और 10 साल का गोपाल अपनी बुआ के लड़के 9 साल के पवन के साथ गांव के किनारे बने तालाब में नहाने के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। डूबने की आशंका होने पर जब घर वालों ने उनकी तलाश की तो तालाब के किनारे उनके कपड़े मिल गए। स्थानीय गोताखोरों ने तालाब में बच्चों को तलाशा तो तीनों की लाशें बरामद हो गईं। 3 बच्चों की तालाब में डूबकर हुई मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या प्रकरण है सर? मदनापुर थाना क्षेत्र में 3 बच्चे जो 10 से 12 साल के थे, एक ही परिवार रिश्तेदारी के थे, किसी तालाब में नहाने गए थे। उनके डूबने की सूचना थी तो उनके परिजन निकाल कर उनको हॉस्पिटल ले गए थे जलालाबाद, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया था। इसकी सूचना थाने पर आई है और इस संदर्भ में आवश्यक पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है और परिजनों की मदद भी की जा रही है।